है, कौन लोग आपको तंग कर रहे हैं? आप जो खुद ऑडियो मैसेज चला रहे हो ना अपने लोगों को, अपनी यूसीज में, अपने कारकुनान को, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे, आपकी वजह से नफरतें नहीं बढ़ाए भाई, सब हमारे लिए काबिले एहतराम है। आप जो मैसेज चला रहे हो ना अपने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों पे, वो हमें भी भेज रहे हैं भाई कि यार हम ये फला सियासी पार्टी छोड़ रहे हैं, ये देखें आपके खिलाफ ये लिखने को बोला है। आज से काम नहीं कर रहे हम तो 22 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल खैरुल अमल वर्किंग कमेटी में काम किया है, KWC में, उसके बाद 2010 के सैलाब से लेकर जितना राशन आज हम पैक कर रहे हैं इतने ही राशन हम 2010 के सैलाब में पैक कर चुके हैं। खाली गूगल पे लिख के सर्च कर ले नजर आ जाएगा। हमें सियासत में नहीं आना, ना हमें कोई तंजीम लॉन्च करनी है कराची में, ना हम सियासत की तरफ आना चाहते हैं। हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखें मेरे पास किसी भी सियासी पार्टी का कोई बंदा आएगा मुझसे राशन मांगेगा गरीबों के लिए, मैं दूंगा। मेरे पास किसी भी चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, मदरसे, इमाम बारगाह, कहीं से भी कोई आएगा गरीबों के लिए राशन मांगेगा, मैं खुदा की जात पे भरोसा करते हुए दूंगा। देखें हमने पहले ऑपरेशन शुरू किया था 2000-4000 बोरे से, अभी माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज मुझे पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने भी बहुत बड़ी रकम दी है, यूनिलीवर ने, तो मैं क्या करूं, उनको मना कर दूं कि नहीं भाई मत दो। नहीं तो आपको तंग कौन कर रहा है जफर? जफर आपको तंग कौन कर रहा है? कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको थ्रेट कर रहे हैं? मुझे क्या थ्रेट करेंगे, मार दें ये, या वो ये चाह रहे हैं ऐलान कर दूं हम राशन बांटना बंद कर रहे हैं। भाई हुकूमत अभी अच्छे तरीके से बांटना शुरू कर दे, सब तक पहुंच जाए हम खुद ही पीछे हो जाएंगे। वो तंजीमें हैं जो ये समझ रही हैं कि मैं उनके निकाले हुए लोगों को अगर राशन दे रहा हूं तो कल शायद उनके लोग मुझे MLA या सेनेटर बना देंगे। भाई ये सारी ऑफर्स मेरे पास पिछले इलेक्शनों में आ चुकी हैं, आप अपने बड़ों से मालूम कर सकते हैं। अच्छा फिर दूसरी बात, अगर मैं आपके किसी लोगों को दे रहा हूं तो वो ये कह रहे हैं ये इनको दे रहे हैं, शायद इनको फाइल करके खड़ा कर देंगे। अरे भाई आपकी जिम्मेदारी थी ना राशन बांटना, आप बांट लें। अगर आप नहीं बांट रहे, हम बांट रहे हैं, तो आप बड़े बनकर हमारे पास आइए, हमारी पीठ थपथपा दें, आप बोले भाई अच्छा काम कर रहे हो, चाहे ईदी है, चाहे अलखिदमत है, चाहे सिलानी है, छोटा सा इदारा JDC भी है भाई, और भी बेशुमार इदारे काम कर रहे हैं, बैतुसलाम है, पता नहीं कितने इदारे जो अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कोई मजहबी इंतहा पसंद तंजीम, कोई फलाना, कोई धमाका, आप जो मेरे फेवर में भी पोस्ट लग रही है ना सोशल मीडिया पे, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे लिए नहीं लगाए, मैं कोई हीरो शीरो नहीं हूं भाई। इस शख्स ने पैसा दिया, इस शख्स तक पहुंचाना था, मैं सिर्फ एक TCS या ल्यूपर्ड या कोई पोस्ट ऑफिस का डाकिया समझे बस, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमें बिला वजह में जो लोग, बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे, आपकी वजह से नफरतें नहीं बढ़ाए भाई, सब हमारे लिए काबिले एहतराम है। मैं लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं और आपके चैनल के तवस्सुत से भी मैं यही अपील करूंगा कि देखें ये मुश्किल घड़ी है, अगर 2-4 दिन के लिए कोई भी जिसका दिल बहुत सख्त है या बहुत ही इंतहा पसंद है थोड़े दिन बर्दाश्त कर लें, लोग इस मुश्किल से निकल आए, उसके बाद आप चाहे मजहब, आप नाम ही चेंज कर दें जिसका, जैसे चाहे रखें। मेरी नजर में तो हर इंसान बराबर है, हर बच्चा, कोई यतीम अगर रोता हुआ आएगा, चाहे मेरे खानदान का हो, चाहे मेरे कबीले का हो, चाहे मेरे मजहब का हो, चाहे मेरे मोहल्ले का हो, चाहे मेरे सूबे का हो, चाहे किसी और सूबे का हो, वो उतना ही दर्द रखता है जितना मेरे किसी सगे का बच्चा यतीम होकर रोएगा खाने के लिए, उतना ही दर्द है सेम। तो प्लीज इस मुश्किल में जो लोग बिला वजह में हमारी मोहब्बत में लड़ रहे हैं भाई, नहीं लड़े, बिल्कुल हमारे टॉपिक डिस्कस ही नहीं करें, हमें इस वक्त काम करने दें, बहुत बड़ा ऑपरेशन रन कर रहे हैं। मैं देखिए हमसे प्रॉब्लम क्या है, इदारों को सियासी तंजीमें समझ रही है हम सियासत में आने वाले हैं, ओ भाई आना ही नहीं है। आप अपने बड़ों से पूछो तो किस तंजीम ने क्या ऑफर नहीं की है, आना ही नहीं है, सीधी सीधी बात है, दो टोक बात है। आप जो मैसेज चला रहे हो ना अपने लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों पे, वो हमें भी भेज रहे हैं भाई कि यार हम ये फला सियासी पार्टी छोड़ रहे हैं, ये देखें आपके खिलाफ ये लिखने को बोला है, आपके खिलाफ यूं बोला है कि जाली औरतों को खड़ा करो। अरे भाई हम अपने ऑफिस से किसी को दे ही नहीं रहे, आप किस औरत को खड़ा करोगे? हम तो घरों में पहुंचवा रहे हैं, वो भी अब इदारों, मस्जिदों, मंदिरों के थ्रू। 10-16-17 दिन इस ऑपरेशन को हो गए, 12-14 दिन सखर में चला के आ रहे हैं। खुदा का फजल है कि आज इस नौबत पे आ गए हैं कि एक साथ 40-40, 50-50 मस्जिदें, 24-24 गिरजाघर, मंदिर, सबको। बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इदारा बहुत छोटा सा है, हमें काम करने दें, हमें हीरो नहीं बनना, हमारे नाम के हैशटैग नहीं चलाओ, हमारे नाम की पोस्टें नहीं लगाओ, हमें सिर्फ काम करने दो।